ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं लेकर आई हूँ आज गाजर की स्वीट रेसिपी। आपने गाजर की हलवा तो बहुत बार खाया होगा, एक बार गाजर का स्वीट डिश इस तरह से बनाइए, यकीन मानिए सभी बहुत तारीफ़ करेंगे। गाजर को अच्छे से धो के इस तरह से बारीक पीस लेना है। पैन में एक बड़ा चम्मच घी डाल के गाजर को अच्छे से भूनना है ताकि इसका कच्चापन चला जाए। जब ये थोड़ा भुन जाए तो अब इसमें डालना है 3 कप के लगभग दूध, और इसमें डालेंगे 2 चम्मच के लगभग मिल्क पाउडर। इसके बाद हम 1 कप के लगभग सूजी डाल देंगे और सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और पैन में चलाते रहेंगे जब तक कि ये सूख ना जाए। फिर इसके बाद उसे ठंडा होने देंगे। फिलिंग के लिए हम 1 कप कोकोनट पाउडर, 1 कप मिल्क पाउडर और थोड़े से दूध के साथ एक डो तैयार कर लेंगे और सभी का इस तरह से छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे और रख लेंगे साइड में। फिर हम पैन चढ़ाएंगे, 3 कप पानी, 2 कप चीनी डाल के एक चाशनी तैयार करेंगे। इसमें हम छोटी इलायची कूट के डाल देंगे, सिर्फ दोनों उंगलियों में चपकने लगे इतना चाशनी तैयार करना है, साइड में रख देना है। अब गाजर हमारा ठंडा हो गया, इस तरह से हाथों में फैला के अंदर हमको फिलिंग भरनी है और चारों तरफ से बंद करके आप इसे शेप दे देना है। इस तरह से उंगलियों की सहायता से दबा के आपको इसे स्क्वायर शेप दे देना है और सभी गाजर को इसी तरीके से बना लेना है। बना के साइड में रख लीजिए। तेल को गरम कर लेना है और सारे गाजर को अच्छे से फ्राई कर लेना है। जो हमने मिठाई बनाई है, सब मिठाइयों को फ्राई कर लीजिए और इसका गोल्डन कलर हो जाए तो इसे निकाल के चाशनी में डाल दीजिए। 10 मिनट के लिए रख दीजिए, फूल जाएगा। आपका जो है गाजर की मिठाई तैयार है, बहुत टेस्टी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों, गाजर के हलवा तो आप बनाए हैं ज़रूर, लेकिन एक बार गाजर का ये मिठाई ज़रूर ट्राई करें। जो खाएगा, जिसको भी खिलाएंगे, बहुत तारीफ़ करेगा और बहुत हटके है। मैं फिर से नए वीडियो के साथ आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।